श्योपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर धांधली की आशंकाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत चकब मुलिया और नंदापुर के बाद अब ग्राम पंचायत गुरु नावदा से सरपंच पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश बंजारा के द्वारा आशंकाओं के चलते मतगणना में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। यहां पर सरपंच प्रत्याशी के द्वारा पुनर्मतगणना कराए जाने को लेकर निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत गुरनावदा से सरपंच प्रत्याशी ओम प्रकाश बंजारा ने इस आशय की शिकायत भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट से भी की है। आपको बता दें कि सरपंच प्रत्याशी ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा पुनर्मतगणना करवाए जाने का आश्वासन भी सरपंच प्रत्याशी को दिया गया है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चकब मुलिया और नंदापुर की तर्ज पर 2-4 मतों से हेराफेरी की आशंका के चलते गुरनावदा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी अपना एक सैकड़ा समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ग्राम पंचायत गुरनावदा के मतदान केंद्र रामबाड़ी में 25 जून को मतदान हुआ है। मतदान के पश्चात ग्राम रामबाड़ी में रात्रि में मतगणना हुई है। वहां पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था, बैटरी के उजाले में मतगणना की गई थी। विपक्ष के कई मतपत्र हैं जो अवैध थे, उनको वैध मान लिया गया। साथ ही प्रार्थी के एजेंट को धमकाया गया। मतगणना में धांधली की गई, इसके चलते मतगणना त्रुटिपूर्ण हुई है। इस कारण प्रार्थी मतों की पुनर्गणना चाहता है, अतः प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत गुरनावदा के मतदान केंद्र रामबाड़ी में सरपंच पद के मतों की गणना त्रुटिपूर्ण होने से पुनर्गणना कराए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। बीजेपी कार्यालय पे इकट्ठे हुए ये वाग सर जी, रात के माये गलती हुई है, उसमें क्या लाइट का डिम का उजाला था और बेटी से जनगणना की गई है। हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारी चलने नहीं दी। मतलब मामला ये कि आपका ये कहना है कि मतगणना में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। हाँ, ये गलती हुई है कि मतगणना में गलती हुई है, दोबारा मतलब गणना कराई जाए। रामबाड़ी दो पोलिंग की। यहाँ भाजपा कार्यालय पर कौन मिला आपको और क्या आपको आश्वासन दिया गया? सुरेंद्र भाई साहब मिले था हमको। सुरेंद्र भाई साहब ने बोला था मैं करूँगा, सोचूंगा, करूँगा कार्रवाई। अच्छा, क्या होता है यहाँ आपको भाजपा कार्यालय पे सुरेंद्र जाट मिले थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष है, क्या कहा आपसे उनने? उन्होंने यही बोला था मैं करूंगा कार्रवाई, रुको तुम शाम तक रामबाड़ी गुनती करी जी, उसने ऐसे बोली। और आवेदन कौन को दिया? आवेदन तो ये साइन हो रहा है, में कौन को दिया साइन हो रहा है? डेट में नहीं दिया, निर्वाचन अधिकारी को दिया। भाजपा कार्यालय पर आकर के आपने भाजपा जिलाध्यक्ष से बात की, इसके अलावा आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई आवेदन दिया मतगणना को पुनः करवाए जाने के लिए? हाँ दिया था साहब, मासिक दिया, निर्वाचन अधिकारी वहाँ पे रहता ना, क्या नाम कॉलेज पे, आपने निर्वाचन अधिकारी को भी मतगणना के लिए आवेदन दिया वहाँ पे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, याद किया, दायरा लिख के दे दी हमको कागज पे, 14 तारीख को तुम्हारा काम मतलब बताया जाए, ये कि 14 तारीख को पुनः आपकी मतगणना करवाई जाएगी। मतगणना का नाम ले रहे, बताई जाएगी आपको, बताई जाएगी। हाँ,